नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव खबरें। वही जो सी आप देख रहे हैं जनपद श्रावस्ती से एक बड़ी खबर। रत्नापुर के पास 40 सवारियों से भरी बस पलटी। आपको बताया चले कि एक प्राइवेट बस भिनगा से बहराइच की तरफ जा रही थी, तभी डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। यात्रियों की चीख पुकार को सुनकर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बस का शीशा तोड़कर सभी सवारियों को बाहर निकाला। संजोग की बात यह रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार बस पलटते ही ड्राइवर व कंडक्टर बस छोड़ भाग निकले। इस हादसे में 4 से 5 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। सभी घायलों को स्थानीय प्राइवेट हॉस्पिटल सोनवा में उपचार कराया गया। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे घटना को लेकर एडिशनल SP द्वारा क्या कहा गया। आज दिनांक 21/8/2022 को बस संख्या UP 40T 6592 जो भिनगा से बहराइच की ओर जा रही थी और जिसमें 40 पैसेंजर्स थे, रत्नापुर थाना सोनवा के पास डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें से 4-5 यात्री घायल हो गए थे, जिन्हें स्थानीय प्राइवेट अस्पताल सावित्री देवी हॉस्पिटल सोनवा में ही इलाज कराया गया। स्थिति सामान्य है और अग्रिम कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक सोनवा द्वारा की जा रही है।